हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मछिंद्र माने, आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पीवी वाल्व होता क्या है, प्रेशर वैक्यूम वाल्व होता क्या है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पीवी ब्रेकर क्या होता है, पीवी वाल्व और पीवी ब्रेकर में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिक से चालू करते हैं। आज का लेक्चर रहेगा कि पीवी वाल्व एक्चुअली होता क्या है, पीवी वाल्व एक्चुअली ऑपरेट कैसे करता है, प्रेशर कैसे रिलीज होगा, वैक्यूम कैसे रिलीज होगा, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, लेक्चर के लिए स्टार्ट। दोस्तों, जो पीवी वाल्व होता है, प्रेशर वैक्यूम वाल्व टैंक के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है या टैंक के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसे रिलीज करने के लिए, प्रेशर को रिलीज करने के लिए या वैक्यूम को रिलीज करने के लिए पीवी वाल्व जो लिक्विड कार्गो कैरी कर रहा है, जो वेसल लिक्विड कार्गो टैंक के अंदर कैरी कर रहा है, उस टैंक का प्रेशर या वैक्यूम रिलीज करने के लिए पीवी वाल्व दिया जाता है। लिक्विड कार्गो कैरी करने वाले जो वेसल्स होते हैं उनमें पीवी वाल्व दिया जाता है। पीवी वाल्व क्यों दिया जाता है? एक्सेस प्रेशर टैंक के अंदर जो जनरेट हुआ है उसे रिलीज करने के लिए, या टैंक के अंदर अगर वैक्यूम जनरेट हुआ है तो उस वैक्यूम को एलिमिनेट करने के लिए पीवी वाल्व दिया जाता है। अभी जो प्रेशर टैंक के अंदर एक्सेस प्रेशर कभी बनेगा या टैंक के अंदर वैक्यूम कभी बनेगा, इसके लिए जो टैंक है, टैंक के अंदर जो लिक्विड कार्गो कैरी कर रहा है उसका एक टेम्परेचर होता है, ठीक है। टैंक के अंदर कार्गो कैरी किया, जो कार्गो है वो कार्गो का एक टेम्परेचर होता है, वो कार्गो का टेम्परेचर और आउटसाइड टेम्परेचर मतलब जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में अगर वेरिएशन होता है, ठीक है, कार्गो का टेम्परेचर और आउटसाइड टेम्परेचर अगर ये टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो वो टेम्परेचर के वजह से आपके टैंक के अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा या वैक्यूम क्रिएट होगा। प्रेशर कभी बिल्डअप होता है जब टैंक के अंदर का जो कार्गो है कार्गो एक्सपांड होगा, एक्सपांशन होगा। कार्गो का अगर एक्सपांशन होगा तो प्रेशर बिल्डअप होगा। अगर कार्गो अगर कंप्रेस हो रहा है, अगर टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कार्गो अगर कंप्रेस हो रहा है तो वैक्यूम जनरेट होगा। अगर जो वैक्यूम जनरेट हो रहा है या प्रेशर जो एक्सेस प्रेशर बन रहा है उसे रिलीज करने के लिए पीवी वाल्व दिया जाता है। अगर हमने जो एक्सेस प्रेशर बना है उसे अगर रिलीज नहीं किया, अगर वैक्यूम जो जनरेट हुआ है उसे एलिमिनेट नहीं किया, तो आपका टैंक जो है वो टैंक कोलैप्स हो सकता है, टैंक क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो पीवी वाल्व का ये फंक्शन है, पीवी वाल्व इसलिए दिया जाता है। अभी पीवी वाल्व एक्चुअल में ऑपरेट कैसे किया जाता है और पीवी वाल्व का सेट प्रेशर कितना होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। पीवी वाल्व का वर्किंग प्रेशर होता है 1400 mm ऑफ वाटर गेज प्रेशर रिलीज के लिए। अगर टैंक के अंदर 1400 mm वाटर गेज प्रेशर अगर बिल्डअप होता है, अगर उससे ज़्यादा प्रेशर अगर बनेगा, 1401 अगर प्रेशर टैंक के अंदर बनेगा, तो 01 जो प्रेशर है वाटर गेज mm ऑफ वाटर गेज जो एक्सेस प्रेशर बन रहा है वो रिलीज होगा यहाँ से। अभी प्रेशर कैसे रिलीज होगा, देखो ये जो है ये नीचे टैंक है, इसके नीचे टैंक है, टैंक के ऊपर ये पीवी वाल्व फिक्स किया हुआ है। अभी टैंक के अंदर लिक्विड कार्गो है, लिक्विड कार्गो एक्सपांड हुआ टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, एक्सपांड हुआ तो अंदर प्रेशर बिल्डअप हुआ। अब एक्सेस प्रेशर को निकालना है, ये प्रेशर मेरा यहाँ पर है, ये कार्गो मेरा नीचे टैंक है, ये आपका पीवी वाल्व है, पीवी वाल्व के नीचे ये टैंक है, ठीक है। टैंक के अंदर जो लिक्विड कार्गो कैरी कर रहा है उसका अगर एक्सपांशन हुआ तो प्रेशर बिल्डअप हुआ, प्रेशर को मुझे रिलीज करना है यहाँ से। जो एक्सेस प्रेशर है 1400 mm ऑफ वाटर गेज के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है उसे मुझे रिलीज करना है। रिलीज कैसे होगा, यहां से प्रेशर रिलीज होगा, यहां पर आएगा, यहां पर एक कैप लगी रहेगी, ये जो है ना ये ऊपर वाला सेक्शन एक कैप है, ये जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन एक कैप है, ये लिफ्ट होगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा, यहां पर एक कैप लगी रहेगी, ठीक है। जो कोकोनट होता है हमारा, कोकोनट के शेप का यहाँ पर कैप लगा रहेगा, वो कैप लिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ उठेगा और वो प्रेशर यहाँ से रिलीज होंगे, ठीक है। ये कैप होता है, ये आपका जो फिक्स स्ट्रक्चर है टैंक के साथ, एक कैप है, कैप जो बॉटल होता है बॉटल के ऊपर जो कैप लगा रहता है वैसे ये कैप रहेगा, लेकिन ये कैप जो होता है वो कैप जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर के ऊपर सीट रिंग के ऊपर बैठा रहता है, और वो कैप तभी उठेगा जब एक्सेस प्रेशर बनेगा 1400 mm ऑफ वाटर गेज के ऊपर। अगर एक्सेस प्रेशर हुआ तो ये कैप उठेगा,
ये फिक्स स्ट्रक्चर है, ये कैप उठेगा और यहाँ से प्रेशर रिलीज होगा। जब 1400 प्रेशर आ जाएगा ये फिर से बैठ जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेस प्रेशर हुआ, उठ गया, प्रेशर रिलीज हुआ, फिर से बैठ गया, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये प्रेशर डिस्क बोलते हैं इसे, ये जो डिस्क है इसे बोलेंगे प्रेशर डिस्क। अब कि इसका शेप होता है कोकोनट की तरह, ये बैठता है सीट रिंग के ऊपर, एक रिंग रहेगी और रिंग के ऊपर ये बैठ जाता है। प्रेशर बना, उठा, प्रेशर रिलीज किया, वापस बैठ गया। तो ये होता है प्रेशर रिलीज मैकेनिज्म। जो प्रेशर रिलीज होगा, जो वेपर रिलीज होंगे, और वेपर रिलीज एक फ्लेम अरेस्टर के थ्रू होते हैं, ताकि अगर यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है, अगर टैंक के अंदर कोई स्पार्क्स है, तो फ्लेम अरेस्टर में वो फ्लेम को अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद में ही ये वेपर्स रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्लेम अरेस्टर रहेगा और फ्लेम अरेस्टर के थ्रू ही ये वेपर्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रेशर वाला पार्ट समझ में आ गया। जो प्रेशर सेट किया जाता है वो स्प्लिंडर एडजस्टिंग स्क्रू, इसके थ्रू आपका प्रेशर सेट किया जाता है, ठीक है। तो प्रेशर वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूम वाला पार्ट, ठीक है। वैक्यूम वाले पार्ट में क्या होता है, अगर आपका जो लिक्विड कार्गो है, लिक्विड कार्गो अगर कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है मतलब वैक्यूम जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर वैक्यूम जनरेट हो रहा है तो वैक्यूम को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो उस वैक्यूम में आपको कुछ भरना पड़ेगा। क्या भरेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर भरेंगे। कैसे भरेंगे, ये सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अगर वैक्यूम यहां पर बन रहा है, इस टैंक के अंदर अगर वैक्यूम बन रहा है, तो क्या होता है, यहां पर एक मैकेनिज्म दिया है, इसे बोलते हैं लिफ्टिंग गियर। ये मैकेनिज्म क्या होता है, ये उठ जाता है, ये क्या होगा, ये लिफ्ट होगा, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, ये जो मैकेनिज्म है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। ये अटैच है इस स्पिंडल से, ये जो स्ट्रक्चर है इससे ये अटैच है, ये ऊपर की तरफ उठेगा, ये भी ऊपर की तरफ उठेगा, और एटमॉस्फेरिक एयर यहां से एंटर करेगी, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे ये उठा, ये फिक्स स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये फिक्स स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये फिक्स स्ट्रक्चर है, और ये वेट की तरह बैठा हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर ये बैठा हुआ है। जैसे लिफ्ट हुआ, यहाँ पर गैप बना, यहाँ पर और यहाँ पर गैप बनेगा, गैप बनने के बाद में जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एयर यहाँ से अंदर घुसेगी, और एयर अंदर घुसने के बाद में जो आपका वैक्यूम है वो वैक्यूम को एलिमिनेट कर देगी, ठीक है। तो वैक्यूम वाला पार्ट ये है और प्रेशर वाला पार्ट ये है। प्रिवेंट आइदर ओवर और अंडर प्रेशर ऑफ कार्गो टैंक्स। वर्किंग प्रेशर 1400 mm ऑफ वाटर गेज प्रेशर के साइड पे, और वैक्यूम -250 mm ऑफ वाटर गेज। अगर इससे ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये उठ जाएगा, उठने के बाद में अंदर एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करेगी और आपका वैक्यूम एलिमिनेट हो जाएगा। प्रेशर के साइड में अगर 1400 से ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है तो प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और जो भी एयर अंदर एंटर कर रही है या जो भी अपना जो भी वेपर बाहर एग्जिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें फ्लेम अरेस्टर के थ्रू ही पास होती है, ताकि अंदर का स्पार्क, अगर कार्गो टैंक के अंदर स्पार्क है या एटमॉस्फेरिक एयर में स्पार्क है, तो वो स्पार्क अंदर एंटर ना करे या अंदर का स्पार्क बाहर ना जाए। इसके लिए जो भी आपका एटमॉस्फेरिक एयर अंदर घुसेगा वो फ्लेम अरेस्टर के थ्रू ही अंदर घुसेगा, ताकि वो फ्लेम वहीं पर अरेस्ट हो जाए, स्पार्क वहीं पर अरेस्ट हो जाए। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ठीक है। आपको पीवी वाल समझ में आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि पीवी ब्रेकर क्या होता है और वो ऑपरेट कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।